मैं महान विरासत की इस धरती को नमन करता हूं। आज शहीद वीर सरदार भगत सिंह की जन्म जयंती भी है। देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा भगत सिंह जी को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, जम्मू की ये सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के तीन खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। साथियों, पिछले दो चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। और साथियों, मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और ये तो मंदिरों की नगरी है, इस मौके को छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है।
भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी वो आपकी हर पीड़ा को दूर करेगी। जम्मू के साथ दशकों से जो भी भेदभाव हुआ है उसको भाजपा सरकार ही दूर करेगी। भाइयों और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार। साथियों, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है,
ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने चार दशक तक हमारे फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइज भी किया है जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। साथियों, आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है। उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये संविधान के
संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए यही कई कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था, उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है। अब भाजपा ने बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के स्पिरिट का सम्मान करते हुए ये अधिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है। पश्चिम पाकिस्तान और पीओके से आए हमारे बहन भाई, हमारे गोरखा साथी, हमारे वाल्मीकि परिवार देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अनेक पीढ़ियों से इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों के इस पाप को क्या कभी भी भुलाया जा सकता है? साथियों, भारत के संविधान ने लोकल बॉडीज की व्यवस्था बनाई है, लेकिन संविधान के इन दुश्मनों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनावों को भी रोक रखा था। संविधान के तहत शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के कमजोर तबकों को ये हक नहीं दिया। भाजपा सरकार ने ही संविधान में दर्ज ये हक दिए हैं। आज देखिए जम्मू रीजन की 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। इसे गुजर, बकरवाल, पहाड़ी समुदाय ऐसे हमारे अनेक समाजों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जिन साथियों को ये हक मिले हैं वे अब खुलकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से वोट दे रहे हैं। भाजपा पर भरोसा का ये फिक्स डिपॉजिट हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी की रक्षा में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के कारण जिनको भी गांव लगे हैं उनका मत, मजहब कोई भी हो, भाजपा हर गांव पर मरहम लगाने में जुटी है। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम की घोषणा की है।